राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बेटी देखो काम आ गया। ठीक है आते हैं। दादा दादा हाँ। घोड़ा बनो ना घोड़ा। आजा। तेरा दादा घोड़ा बन गया। कहाँ चलना है सोनी? शहर। टिक 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 टिक। बाबा बाबा किधर? ओ तो टिक 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 टिक। बाबा के पास चलो, बाबा के पास। राजू की माँ, जो भी जरूरी सामान है सब खरीद लेना, ठीक है? ठीक है। सोनी। हाँ माँ। इधर आओ बेटा, एक काम करो, ये वाला चावल लो और थोड़ा भात चढ़ा दो। हाँ, हमारे हैं बाजारों के। ठीक है माँ। बाबा, ओ बाबा। क्या है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या करोगे? मुझे एक जोड़ी कपड़े और एक अच्छा जूता लेना है। क्यों? मैं शहर जाना चाहता हूँ। शहर? शहर जाकर क्या करोगे? शहर जाकर मैं कमाना चाहता हूँ। बेटा, खाने भर के लिए तो यहाँ भी हो ही जाता है। सिर्फ खाने से ही तो नहीं होता ना, इसलिए मैं शहर जाकर कमाना चाहता हूँ। बेटा, अगर तुम चाहो तो यहाँ भी कमा सकते हो, हमारी मदद करोगे। और ये तो हमारा पुश्तैनी काम है, इसे ऐसे कैसे छोड़ देंगे? इस इलाके में हर रोज ताजमी मरता नहीं। अभी आप सप्ते में जितना कमाते हो ना, मैं एक दिन में कमा कर दिखा दूंगा बाबा। हमसे दूर भी तो हो जाओगे। और भी लोग तो शहर में रह रहे हैं, घर बैठे बैठे पैसा कहाँ से आएगा? अब सोनी भी बड़ी हो रही है, मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका, कम से कम सोनी की तो पढ़ाई पूरी करा दे। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन
लेकिन क्या हमसे दूर भी तो हो जाओगे? तुम इस साल रुक जाओ, अगले साल चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आप नहीं चाहते कि मैं कुछ करूं आप लोगों के लिए? सुनती हो क्या राजू क्या चाह रहा है? क्या राजू शहर जाना चाहता है? अब हम क्या बोले? अब जो अच्छा समझते हैं कीजिए, इसका तो रोज रोज किचकिच करने का आदत बन गया है। राजू की माँ? राजू कहीं दिख नहीं रहा है? राजू तो कल से घर पे नहीं है। कल उसको हम देखे थे, एक थैले में कुछ कपड़ा बांध रहा था, लेकिन कब कहाँ निकल गया हम बता नहीं सकते। अभी अगर राजू होता घर में तो कम से कम दौड़ कर मेरी सोनी के लिए दवाइयाँ तो लेकर आता। थोड़ा सरसों तेल गर्म करके दो ना, मेरी बेटी के पैर में मालिश कर देते हैं। सरसों तेल चूल्हा के सामने ही रखा हुआ है, कल हम लहसुन देके गरम किए थे। ले लीजिए, हम दूसरा चादर लेकर आते हैं। आजकल के लड़कों का तो कुछ कहना ही नहीं है, कब क्या करेगा कब क्या सोचेगा कोई नहीं जानता। इन लोगों को घर परिवार से कुछ लेना देना है नहीं, बस सब कुछ चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा पैसा। ठीक, कल तक देखते हैं, नहीं तो अस्पताल ले चलेंगे। अस्पताल? अस्पताल के लिए भी तो पैसे चाहिए। पैसे है क्या? ए जी, घर में खाने का सामान सिर्फ आज का है, कल से राशन भी खत्म। राशन? तुमने राशन के बारे में पहले क्यों नहीं कहा? क्या बताते आपको, आप पहले से इतने परेशान हैं और ये सब बता के और परेशान करना नहीं चाहते थे। अच्छा, कहीं से उधार ले लेंगे। उधार? आओ आओ, क्या बात है, आज घरवाली को छोड़कर अपने खुद आ गए? एक किलो चावल और पाव भर आटा दे दीजिए ना सेठ जी। पैसे लाए हो ना? नहीं, उधार। उधार? अरे भैया, पहले से तो उधार ले रखा है और फिर से उधार है? इस बार मदद कर दीजिए भाई, आपका पैसा जल्दी चुका दूंगा। अरे मैंने क्या आश्रम खोल रखा है, है? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, पहले का उधार दो। बेटी मर जाएगी माली। अरे मर जाने दो, चलो निकलो भैया। अरे चलो निकलो भैया, चलो पापा, चलो निकलो। आजा बेटा आजा। क्या बात है बेटा? मुझे अपने दोस्तों के साथ डोसा खाना, पैसा दीजिए। दोस्तों के साथ डोसा खाना है, पैसे चाहिए तुझे? सेठ जी, आपके बच्चे, मेरी बेटी मर जाएगी। अरे तुम मेरे बच्चे को अपने बच्चे से मिलाते हो? तुम्हारी ये औकात है? अरे चलो भागो यहाँ से, मेरे बच्चे के साथ तुलना कर रहे हैं। तुम्हें दोस्तों के साथ डोसा खाना है, ये लो बेटा, ये लो 200 रुपए, ठीक है? और जाओ जाओ स्कूल, डोसा खाना है, ठीक है बेटा, जा। हाँ, मेरा लाल। अरे चले आते हैं कहाँ कहाँ से उधार मांगने के लिए, दिमाग खराब करके रख। मेरी बेटी बहुत बीमार है, घर में खाने को अनाज नहीं, कुछ पैसे उधार दे दीजिए। उधार? मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। तो मैं क्या करूँ? कुछ दे दीजिए, मेरी बेटी मर जाएगी। अरे नहीं, चलो 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 चलो, चलो। पैसे का इंतजाम हुआ क्या? नहीं,
आज मैं पहली बार दर दर भटका और कुछ इंतजाम नहीं कर पाया। अब तो राशन वाले ने भी उधार देने से मना कर दिया। हे भगवान, मैंने क्या गलती कर दी जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आखिर क्यों मैं अपनी बेटी के लिए दो चुन की रोटी और इसके इलाज के लिए दवाइयां भी नहीं खरीद पा रहा हूं। भगवान की शायद यही मर्जी होगी। हे भगवान, मुझे एक लाश दे दो भगवान, ताकि मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। इसका किस्मत में यही लिखा है। किस्मत इसका नहीं, किस्मत हम सबका खराब है जो हम समय के साथ नहीं चल पा रहे हैं। बस शायद राजू की बात नहीं मानकर हमने गलती कर दी। अच्छा, एक लोटा पानी ला दो। अभी लाते हैं। बुला के लाओ उसको। कौन है भाई? साहिब बुला रहे हैं, आओ इधर। अच्छा अच्छा साहब। सुनो, एक लावारिस लाश है, इसको तुम जला दो। और इसके लिए हम कुछ खर्चा का पैसा रख लो, ठीक है? काम हो जाना चाहिए। राजू की माँ, राजू की माँ, देखो तो राजू है क्या? राजू, दादा, सोनी, बेटा, बेटा, सोनी। भगवान, मैंने तो सिर्फ एक लाश मांगी थी भगवान, और तूने मुझे दो लाशें दे दी, दो लाशें दे दी भगवान। ये मजबूरी, बेबसी और लाचारी रूपी दानों के मुंह का निवाला बनता रहेगा मानव, आखिर कब तक?